कॉम्पैक्ट एस यू भी है नैक्सॉन अब्रेज़ा जो 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 अभी महिंद्रा की एक् थ्री डबल ओ आती है वो तो बहुत ही पीछे है लेकिन एक्स यू थ्री एक्स के बाद जो कि एक्स यू थ्री डबल ओ का फेस लिफ्ट है गेम चेंज होने वाला है ये भी एक अपनी पोजीशन बना पाएगा इस पूरे सेगमेंट में तो क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं आज की वीडियो में देखते हैं अब देखो अगर आप नैक्सोन खरीदने वाले थे ना ज़्यादा टाइम नहीं है भाई आप रुक सकते हो आप थोड़ा सा होल्ड में कर दो अगर आपने आप अगर आप डिलीवरी लेने वाले थे या कोई सी वेन्यू सोनेट इनफैक्ट क्रेटा भी अगर आप खरीदने वाले थे तब भी मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए एक्स यूवी थ्री और आपको बता दू ये एक्स यूवी थ्री डबल ओ का फेस लिफ्ट है तो ये नई गाड़ी नहीं है इसको ना, इसके नाम को रिबैच कर दिया गया और बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर दी गई हैं तो क्या क्या इसमें आपको देखने को मिल सकता है पहला और सबसे बड़ी चीज़ जो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी कि भाई इसका जो सनरूफ़ है ना उस सेगमेंट में सबसे बड़ा होने वाला है देखो नेक्सॉन में छोटा सनरूफ़ है वेन्यू में भी छोटा ही सनरूफ मिलता है सेम सोनेट में भी छोटा सनरूफ़ मिलता है ब्रेजा में भी छोटा सा ही सन है तो इस सेगमेंट वाले लोगों को ना सनरूफ को उतना मज़ा मिलता नहीं है फिर जिसको अगर सनरूफ़ का मज़ा चाहिए तो फिर वो क्रेटा सल्टॉस मतलब एक सेगमेंट ऊपर की तरफ जाता है और दो तीन लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करता है अब आप ये सोचो अगर इसी सेगमेंट में मतलब नेक्सॉन वाले सेगमेंट में ऐसी गाड़ी आ जाए जिसमें बड़ा सनरूफ़ हो तो क्रेटा की सेल जाएगी कि नहीं जाएगी बहुत सारे ऐसे बायर होंगे क्योंकि करते हैं कि उनको बड़ा सनरूफ आ जाए एक बजट प्राइस में तो कितनी बड़ी बात होगी इसलिए मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए अगर आप सनरूफ के फैन हो तो हां अब क्रेटा जितना बड़ा होगा नहीं होगा वो आने के बाद ही पता चलेगा बट टीजर में क्लियरली देखने से समझ आ रहा है कि नेक्सॉन में जो सनरूफ आता है उससे तो बहुत बड़ा होने वाला है दूसरा एक्स यूवी थ्री में आपने देखा होगा कि जो डीजल इंजन है ना उस सेगमेंट में सबसे बेहतरीन है वही सेम डीजल इंजन आपको एक्स यू थ्री एक्सो में भी देखने को मिलने वाला है जो कि 115 सौ की मैक्स पावर निकालता है और लगभग तीन सौ का मैक्स स्टॉक निकालता है तीन सौ मीटर का टॉर्क मतलब इस सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी देती ही नहीं है अगर आप नेक्सॉन के डीजल इंजन को भी देखोगे तो वो तकरीबन 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है तो अगर आप डीजल इंजन के फैन हो आपको बिल्कुल एक बेहतरीन डीजल इंजन चाहिए तब भी मुझे लगता है कि आपको एक्स यू वी थ्री एक्सो का वेट करना चाहिए तीसरी चीज कि एक्स एक्सो में ना लेवल टू का एडास देखने को मिलेगा ये सेफ्टी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है अगर आप देखो इस सेगमेंट में तो नेक्सॉन में एडास नहीं देखने को मिलता वेन्यू सोनेट में एडास सिस्टम है बट लेवल वन वाला है तो एक्स यू एक्सो में आपको लेवल टू एडास देखने को मिलेगा मतलब बहुत सारे कमाल के एडास के फीचर्स Uh, कह सकते हो आपकी जो एक्स यू बी सेवन में एडास के फीचर्स मिलते हैं ना वही फीचर्स मिलेंगे हाँ थोड़े बहुत फीचर्स कम हो सकते हैं एक्स यू बी थ्री एक्सो में एक्स यू बी सेवन डबल कंपेरिजन में बट हाँ अच्छे खासे फीचर्स मिलेंगे तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि भाई इस सेगमेंट में आपको एडास का लेवल टू मिलेगा तो हाँ सेफ्टी आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी वैसे भी भाई एक्सू वी थ्री डबल ओ की सेफ्टी में कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं ऑलरेडी उसने फाइव स्टार स्कोर करा है तो सेम वही फेस लिफ्ट है तो ये भी आप उम्मीद कर सकते हो कि फाइव स्टार ही रहेगी चौथी चीज़ जो कि मुझे लगता है कि एक्स यू वी थ्री डबल ओ या फिर एक्स यू वी थ्री एक्स ओ जो आने वाली है उसके लिए पॉजिटिव साइड है वेन्यू में अगर आप बैठते हो तो रियर वाली सीट में आपको स्पेस नहीं मिलता एक लेग रूम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता मतलब ना के बराबर है है ना अगर आपकी हाइट छः फीट हो जाती है फिर तो भैया दिक्कत हो जाती है सेम सोनेट के साथ भी है नेक्स्ट वन में थोड़ा बहुत लेग रूम मिलता भी है लेकिन यहीं पर अगर आप एक्स 3 थ्री डबल में बैठोगे ना तो आपको लगेगा कि आप एक सेगमेंट बड़ी गाड़ी में बैठे हो आपको लगेगा कि आप क्रेटा और सेल्टोस वाली सेगमेंट में बैठे हो सेम एक्स यू बी थ्री एक्सो में होने वाला है क्योंकि भाई सेम चैसी है सब कुछ सेम है तो हाँ अगर आपको अंदर ज़्यादा स्पेस चाहिए आप नेक्सॉन की जगह पर एक्स वी थ्री एक्सो को कंसिडर कर सकते हो इसमें ज्यादा लेग रूम है इवन इसका जो विड्थ है वो भी थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको शोल्डर रूम भी अच्छा मिल जाएगा फ्रंट में जो ड्राइवर वाली रो है उसमें भी अच्छा खासा स्पेस है तो इन केबिन स्पेस आपको एक्स्यू वी थ्री एक्सो में सेगमेंट में सबसे ज्यादा मिलने वाला है अभी भी एक्स यू वी थ्री डबल में सबसे ज्यादा ही मिलता है तो सेम इसमें मिलता है हाँ हालांकि थोड़ा सा बूट में कॉम्प्रोमाइज है बूट सेगमेंट में सबसे कम मिलता है बट अगर आपको बूट कम चाहिए इन केबिन स्पेस ज्यादा चाहिए लेग रूम शोल्डर रूम एक्स यू बी आपके लिए बनी हुई है हाँ एक और चीज़ यहाँ पे आप नेक्सॉन के कंपैरिजन में एटलीस्ट रख सकते हो वो है बॉडी स्टांस का देखो नेक्सॉन जो है वो उतनी बॉक्सी लगती नहीं है लेकिन एक्स यू वी थ्री एक्सो जब आप देखोगे ना तो बहुत ही बॉक्सी स्टांस की है एक बड़ी एस वाली लुक देती है जैसे आप अभी एक्स यू वी थ्री को देखते हो है ना तो अगर आपको थोड़ा बॉक्सी टाइप की डिजाइन चाहिए क्योंकि प्रॉपर एस का फील वहीं से आता है तो थ्री एक्सो आपके लिए बनी है नेक्सॉन को आप साइड कर सकते हो बेसिकली इस वीडियो को आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि मैं यहां पे नेक्सॉन को XUV300 थ्री एक्सो से कंपेयर भी कर रहा हूं ठीक है तो ये एक पॉइंट हो गया इसी के साथ बहुत सारे डिज़ाइन में चेंज होने वाले हैं एक्स यू में जो फ्रंट का प्रोफाइल है वो कम्पलीटली नया होगा रियर की जो टेल लाइट वाला सेक्शन है वो देख सकते हो सेगमेंट में बहुत ही हॉट लग रहा है ऐसे टेल लाइट वैसे आपको सोनेट वगैरह में भी मिल जाती है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है देखना ये है कि जो डिज़ाइन लैंग्वेज है जो कट्स एंड क्रीजेस है उसको किस तरीके से प्लेस कराया जाता है इसके लुक्स को इन्हेंस करने के लिए तो वो जब गाड़ी सामने आ जाएगी तभी मैं आपको बता पाऊँगा बट डेफिनेटली भाई ये महिंद्रा का काम है महिंद्रा ऑलरेडी अभी जितनी भी कार्स में काम कर रहा है एस में काम कर रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल की ही एस निकल के आ रही है इवन डैशबोर्ड भी नया है बट पर्सनली मुझे डैशबोर्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा लीक फुटेज में बट रियल वर्ल्ड में आने दो तो तब पता चलेगा तो हाँ डैशबोर्ड भी नया होगा पूरे लुक्स नए होंगे तो अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते तो कि आपकी नई आपकी गाड़ी में ये सारी चीज़ें नई होना तो मुझे लगता है कि आप नेक्सॉन या इन सबको थोड़ा सा होल्ड पे करो ट्वेंटी नाइन का वेट कर लो आने दो गाड़ी फिर आपको जो सही लगे वो खरीदना प्राइस का मैटर है अगर तो आपको बता दूँ नेक्सॉन की जितनी प्राइस है ना उतनी ही प्राइस रहने वाली है बेस मॉडल अभी भी एक सू बी थ्री डबल की अगर आप उठा के देखोगे तो सेवन पॉइंट नाइन नाइन लैख से मतलब आठ लाख रुपए से स्टार्ट होती है कुछ फोर्टीन पॉइंट सेवन सिक्स लैख का जाता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि बेस मॉडल आठ लाख रुपये से ही स्टार्ट होगा बट टॉप एंड मॉडल फिफ्टीन या सिक्सटीन लाख रुपये तक जा सकता है तो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है वैसे भी महिंद्रा जो है ना प्राइस गेम भी खेलता है बेस मॉडल की प्राइस बहुत ही कम रख देगा जिसकी वो डिलीवरी कभी देता नहीं है बाकी जो फीचर रिच मॉडल्स होते हैं या जो कह सकते हो वैली मनी मॉडल्स होते हैं उनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो वो एक चीज़ है आप बताओ आप एक्स यू वी थ्री एक्सो के लिए एक्साइटेड हो गए नहीं कमेंट बॉक्स में और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो